अमन मुसी यहाँ पे मोला तर्जुमे से मिले हैं जी सर। कहाँ से? लाहौर। लाहौर से? लाहौर किस जगह से? लाहौर से अपना सदर कैंट। सदर कैंट? अच्छा, कैंट से। कैंट से? कैंट से आप यहाँ मौलाना साहब को मिलने आए हैं, तो क्या वो है, किस लिए? बस ये क्या बताएं कि मन चाही जिंदगी है। अच्छा अच्छा। सुबह सुबह उठना, अम्मा जी ने आर्डर लगाना कि बेटा नमाज का टाइम हो गया, आपको भी जा रहे हो, सारे जा रहे, आप ही जाओ। लेकिन वो अंदर से दिल नहीं मानता, ऐसे जाऊँ जो मैं। अच्छा, आपकी आपकी वालदा ने भेजा यहाँ पे जी कि जाओ मौलाना साहब से? नहीं नहीं, मैंने इजाज़त ली है। अच्छा, आपने इजाज़त ली है कि मैं मौलाना साहब से मिलना चाहता हूँ? मिलना भी चाहता हूँ, और बहुत हो गया, नहीं मेरा नहीं मान रहा। मेरे सामने एक बंदे की, मैं जैसे बैठा हूँ लारी अड्डे से, मेरे सामने उसका एक्सीडेंट हुआ है, ऐसे मेरे सामने उसकी डेथ हो गई, ऐसे उसका एक्सीडेंट हुआ, तो बस वाले ने मारी टक्कर, मारी हो गया। थोड़ी सी जिंदगी है इसमें, इतना अल्लाह ने इतनी कीमती इतनी 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 थोड़ी सी जिंदगी है अल्लाह ने, ताकि आवाज़ भी आ रही है, कब कब ख़त्म हो जाए है जी, ये इंसान को बताया नहीं। अच्छा अच्छा। तो मैं अगर बगैर कर्मे के मर गया, हाँ हाँ हाँ, तो अब मैं डायरेक्ट जन्नत में जाऊँगा ना। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अब आप यहाँ पे मौलाना तर्जुमे के पास आए हैं कि मुझे कलमा पढ़ा दिया जाए। क्या मैं और कुछ भी, मेरा बिल्कुल डिमांड नहीं, कुछ भी नहीं, किसी का प्रेशर नहीं है। मैंने बस उनको कहना है जी मुझे पढ़ा दें जी, बस ठीक है। जैसे साहबा को कोशिश करते थे है जी, लगे रबी जाते थे, अबू तालिब थे है जी, बार बार मक्के के सरदार थे, बार बार जाते थे, बार बार दावा देने के लिए, बार बार कि चचा पढ़ लें, यही कलमा आपकी क़यामत वाले दिन गवाही बने अगर आप पढ़ लेंगे। आप किस चीज़ पर आए हैं लाहौर से यहाँ, किस चीज़ पर आए हैं? मैं लोकल ही हूँ, बसों में। हाँ, बसों पर। तो अब मुलाकात हुई है उनसे? अभी मैसेज उन्होंने दिया है। अच्छा, उन्होंने कहा जी आप अभी आराम करें, मौलाना साहब जो गार्ड है अभी, हाँ जी उनको मैसेज दिया है। रेंजर वाले ने मुझे कहा अभी आप आराम करें। अच्छा, मैसेज आपका दे दिया है, तो वो कह रहे नमाज पे मिल, नमाज के बाद। नमाज के बाद कौन सी नमाज के बाद? असर की। असर की नमाज के बाद? असर की होगी ना? नहीं नहीं, अब तो जहर की। जहर? जहर मेरे मुँह से असर नहीं होना मालूम नहीं ना, अभी इतना मालूम नहीं ना, अभी नए नए है ना, तो इसमें कोई बात नहीं। अभी तो 1:30 बजे जमात होगी उसकी, असर जोहर की। जोहर तकरीबन 5:45 बजे होगी असर की। असर फिर होगी मगरिब की टाइम पे, मगरिब की, फिर ईशा की, ईशा फिर सुबह फजर। फजर तो उन्होंने कहा है जी के असर की नमाज के बाद, असर की जोहर की नमाज के बाद, हाँ जी मुलाकात आपसे करेंगे, आपको मैसेज दे देंगे, मैसेज दे देंगे, आप अभी आराम करें। हाँ जी, तो मौलाना साहब भी आराम कर रहे हैं, मैं भी अभी पता करके आया हूँ वहाँ से। जी जी जी, तो मुझे कहते हैं आराम करें बस, अब मैसेज फ़ौरन मैसेज दे देंगे, जैसे फारिग होंगे आपको फ़ौरन मैसेज दे देंगे, फ़ौरन खुद आएंगे। अच्छा अच्छा। अब मेहमान है आप हमारे, इतनी दूर से हैं। नहीं, कोई पानी वगैरह पिलाया आपको अभी तक? खाना खिलाया। खाना खिलाया? अच्छा, माशाल्लाह, खाना भी खिलाया आपको, पानी भी पिलाया। खाना जब अभी आया हूँ तो मुझे कहते हैं खाना खिलाया, पानी पिलाया। कितनी देर होगी आपको? मुझे तकरीबन अब 2 घंटे हो गए। हम देख चुके हैं, सही आ रही है? पूरे दो घंटे। हाँ जी, पूरे 2 घंटे अब वो। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी कि आप वो सुबह लाहौर से काफ़ी टाइम पूरा रात का ही मैं आया हो, तो मैं तो होटल में ठहरा हूँ। अच्छा अच्छा। कच्चे में ना? हाँ अच्छा, नहीं लारी डाल उधर, मैं उधर होटल में ठहरा हूँ। रात में मैं इसलिए नहीं आया, तो मैंने कहा मलाना आपको पता सिक्योरिटी फिर ऊपर से फ़ोन पे बात जब हुई थी बिलाल मर्जी, तो उन्होंने कहा था जी अपना मलाना की ज़रा तबीयत भी थोड़ी सी तबीयत नासाज है, सुबह का टाइम मिलेंगे तो आपको मिल भी जाए, सुबह का टाइम, तो इसलिए मिलेंगे। अल्लाह ने करा दिया जी, बड़ी शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। मैं बहुत यकीन करें, मैं बहुत ज़्यादा कि मैं जिस बंदे को है जी
फोन पे एक दो तीन चार पाँच छः तकरीबन मैंने दो तीन हज़ार अब तब से लेके अब तक 2-3 हज़ार बयान मैंने सुनी है। अच्छा, जो आखिरी बयान है वो मैंने जब सुना तो मेरा ना अंदर से ना नहीं पंखा दो मिनट बाद हम फिर चला बस ही शोर आ तो 2-3 हज़ार बयान ऊपर से मुझे कैसा वो अजीब सा मंजर है अंदर ही अंदर है ना खुशी। अच्छा 2-3 हज़ार बयान आपने सुन लिया मैंने मौलाना का सुन लिया अभी तक ये एक जो मैंने लास्ट में सुना ना उस पर मेरे से ही निकाल मैंने कहा अब मेरे अल्लाह के बंदे देख जैसे वो बंदा थोड़ी सी उसकी पता नहीं हुआ वो ये अल्लाह का निज़ाम है ना अल्लाह का निज़ाम है अल्लाह का निज़ाम है अब उसको बेचारे को नहीं पता था कि मेरी आगे मैं जाऊँगा सफ़र में तो मेरा एंड हो जाएगा उसको बिल्कुल नहीं पता ऐसे मुझे भी लगता कि जैसे मैं अभी मैंने जाना है जहरी बात मेरे मौलाना ने कहना भी है कि अब आप तो फिर अच्छा आपको यहाँ पे बिलाल मस्जिद वालों ने भेजा है बिलाल आप पहले वहाँ गए थे पहले वहाँ वहाँ से उन्होंने कोई फ़ोन वगैरह किया था यहाँ पे फ़ोन वगैरह नहीं किया अच्छा क्योंकि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में आज तक नहीं सच बोल दूँ क्या फ़र्क पड़ जाएगा मेरा गलत बात है कि जनाब आपने झूठ क्यों बोला ठीक है तो मैं जब उन्होंने कहा जी जनाब आप उधर चले अगर तो घर हुए तो आपको मिलने ये आपकी ख्वाहिश थी जो आपने उनसे जाहिर की थी जी 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 मैंने कहा जी मैंने कलमा पढ़ना तो उनसे उनसे करना क्योंकि मैंने दो सवाल कर रहे हैं तो मुझे पक्का यकीन है अल्लाह पे भरोसा दोनों से सवाल कि जी जो बैकग्राउंड थी सहाबा के वो तो पहले से मुसलमान ही थे तो वो जब मुसलमान हुए थे तो उनमें क्या फीलिंग थी कैसी फीलिंग थी जब मुसलमान हुए थे जब नहीं थे वैसे फीलिंग जब हुए थे उसकी फीलिंग कैसी थी मुझे वो फीलिंग मुझे बताएं जारी बात है फिर वो इतने बड़े उलमा मुझे कह रहे थे बिलाल मस्जिद वाले कहते आप कोई भी सवाल करेंगे ना 100% आपको जवाब देंगे क्यों इतने बड़े मौलाना है इतने बड़े आलिम है अब कोई जवाब आपका जवाब कोई मिस नहीं होगा आप ऐसे ही कहेंगे जैसे आप डॉक्टर जाकर नाइक के सामने बैठे हो आप कोई सवाल किया ना आपको जवाब देंगे फट से जवाब आपको दे दें क्योंकि आपकी बैकग्राउंड के बारे में भी आपसे बात करेंगे अच्छा ये नहीं कि आपको कहेंगे ये बैकग्राउंड से आप हट जाए बैकग्राउंड से भी आप कहेंगे आप कितने बहन भाई हो अब मेरे 6 भाई हैं अच्छा अब टोटल हम 8 बहन भाई हो नहीं नहीं 6 भाई हैं एक अब्बा जी एक अम्मा जी आठ घर में 8 अफराद आप सबसे बड़े नहीं मैं सबसे छोटा सबसे छोटे आपसे पहले कोई इस्लाम की तरफ आया नहीं नहीं आप वाइट फर्स्ट टाइम वाइट बंदे हैं जो फर्स्ट टाइम अपने घर से इस्लाम की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं अभी तक माशाल्लाह अल्लाह आपको जज़ा खैर अता फरमाए बस जी अल्लाह आपकी आपने जो सोचा है वो जो आपके दिल में है वो ख्वाहिश अल्लाह मौलाना तारिक जी से आपकी मुलाकात हो जाए वो आपको कलमा पढ़ाए अल्हम्दुलिल्लाह कैसा होगा मंजर कैसा होगा